नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां विगत सोमवार को मानक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे के स्लीपर ग्राउंड स्थित जर्जर रेलवे क्वार्टर में निर्वस्त्र अवस्था में अधेड़ महिला का शव मिलने के बाद मृतका के परिजनों की तहरीर पर हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं प्रथम दृष्टया हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मानक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्लीपर ग्राउंड के जर्जर बंद क्वार्टर में सोमवार को निर्वस्त्र अवस्था में अधेड़ महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। शव में दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। महिला की शिनाख्त पारा थाना क्षेत्र के तेजीखेड़ा की निवासी 50 वर्षीय पप्पी मिश्रा पत्नी स्वर्गीय उमाशंकर मिश्रा के रूप में हुई, जो विगत 6 अक्टूबर को राशन लाने की बात कहकर घर से निकली थी, किंतु घर वापस नहीं लौटी। महिला की खोजबीन के बाद परिजनों ने देर रात पारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोमवार को मानक नगर थाना क्षेत्र में महिला का शव बरामद होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी नमूने एकत्रित कर जांच की थी। पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। घटनास्थल पर मृतका के आसपास खाने के लिए नॉनवेज और देशी 2 क्वार्टर खाली शीशी और 2 गिलास पड़े हुए मिले थे। मृतक महिला के मुंह से झाग निकल रहा था और शव से दुर्गंध आ रही थी। थाना प्रभारी मानक नगर अजीत सिंह के मुताबिक मृतका तेजीखेड़ा पारा की निवासी है और रविवार को घर से लापता हुई थी, जिसकी जानकारी पुत्री प्रगति ने पारा थाने में रविवार रात को दी थी। पुत्री की शिकायत पर पारा पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मृतका के शव बरामद होने के बाद मानक नगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस को सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जगह जगह से सैंपल एवं मृतका के वस्त्र कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका की शिनाख्त होने के बाद परिवार जनों की तहरीर के आधार पर पारा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर नामजद हत्यारोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। मृतका पप्पी की 4 विवाहित बेटियां और दीपक नाम का बेटा है। पति की 2 वर्ष पूर्व बीमारी से मौत हो गई थी। परिजनों की माने तो तेजीखेड़ा में ही पड़ोस में रहने वाला रिक्शा चालक रामू से महिला की दोस्ती थी। वर्तमान में 6 माह से स्लीपर ग्राउंड में अवैध रूप से रह रहा था और बैटरी रिक्शा चलाता था। मृतका के दामाद के अनुसार रविवार दोपहर करीब 12 बजे उनकी सास कोटेदार से राशन लेने के नाम पर निकली और वापस नहीं लौटी। बेटी प्रगति ब्यूटिशियन का काम करती है और दीपक एक पंसारी की दुकान पर काम करता है। शाम जब घर लौटे तो मां को गायब देख काफी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके बाद रविवार की रात पारा थाने में पहुंचकर मां के गायब होने की लिखित सूचना दी थी। रिमांसी मिश्रा, आपकी माता जी कितने दिन पहले गायब हो गए? मेरी माता जी 6 तारीख को गायब हो गए, आज तीसरा दिन है। गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने कहाँ लिखाई थी? पारा थाने में, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई जी। फिर कैसे पता चला कि आपकी माता जी का यहाँ पर जो घटना हो गई? यहाँ पे पता चला है, हम लोग खूब 3 दिन तो लगातार धूड़ा है इनको, हम लोगों ने बहुत धूड़ा 3 दिन नहीं मिली। जब हमने देखा कि वहाँ पुलिस लगी है, वहाँ पर हम गए, देखा जाकर रोड पर एक अंकल खड़े थे, उन्होंने बताया कि महिला है। अब यह नहीं पता था कि वो मेरी मम्मी है। फिर मेरी बहनें गई वहाँ देखने के लिए, उनको पुलिस ने बॉडी उनकी सील कर दी, ना कुछ दिखाया ना कुछ उन्होंने घर आके बताया। जो कुछ मिला अगर हम लोग नहीं पहुँचते वहाँ तो वो सील वो ले जाते, ऐसे राशन कार्ड ले गए, 2 बोरी लगी। उनके चेहरे पे जो सिगरेट के निशान थे और यहाँ पर ब्लड था, पूरा कटा है, गला कटा है पूरा। हम 4 बहनें हैं, 1 भाई है 15 साल का जी। माता जी क्या करती थी? माता जी हमारी कुछ नहीं करती थी, मेरी बहन ये ड्यूटी करती थी, भाई पढ़ाई करता था। माता, 4 बहनों की शादी हो गई जी, 4 बहनों की शादी हो गई, पापा को 24 साल भर हुआ, एक्सपायर हुए। आपको उस घटना के बारे में किसने बताया, कैसे पता चला? और हाँ, हम तो मतलब चले गए थे, शादी हो गई थी, फिर उसके बाद मेरी मम्मी काम करने लगी, मेरे भाई को पढ़ाने लगी कि बेटा तुम पढ़ो, अब कौन करेगा, अब कौन पढ़ाएगा, कौन खर्चा चलाएगा, ये नहीं समझ में आ रहा। कौन? पारुल मिस शुक्ला, तीसरी। घटना मतलब कैसे आपको पता चला? मेरी बहन ने बताया, मुझको 5:30 बजे पता चली कि मम्मी सुबह से नहीं मिल रही है,
तो मैंने सोचा कि हो सकता कहीं बैठी होंगी, आ जाएंगी। फिर थोड़ी देर बाद फोन पहुंचा कि अभी भी नहीं आई है। फिर मुझको लगा कि ये किसी खतरे में है। फिर हम तो अपने, हाँ, हत्या की आशंका है, मर्डर, किडनैपिंग पहले की गई, फिर इनका मर्डर किया गया। शकल पे बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा था उनका, शकल पे इनका पूरा शकल बिगाड़ी गई एकदम, जिसमें पहचान ना पाए बेटियां उनको। ये गले पे खून था, ये गले पे खून था, और ये यहाँ पे इतना बड़ा तो जलाया गया था, आंखों पे जलाया गया है, पूरा चेहरा उनका बेकार कर दिया गया है। हाँ, और सब कपड़े निकाल लिए, कोई कपड़ा अंग पे नहीं था, कोई कपड़ा, और टंगे थे कपड़े उस पे, खाना बना रखा था, अंडा कमरे में बने रखे थे। सोच ही नहीं सकती, नहीं खाती थी अंडा, नहीं खाती थी, नुकसान करते थे उनको घर, मतलब उनके दवाई चलती थी, बीपी की वो थी, लेकिन दवाई, बीपी बिल्कुल ठीक था उनका, दवा घर से खा के निकली है वो, दवा कभी भी अपनी तबीयत नहीं खराब होने दी उन्होंने, ठीक है। चाहती है सरकार, है मेरे भाई को इंसाफ दो, मेरा भाई छोटा है, कहाँ रहेगा, कीजिए, मेरा भाई छोटा है, उसके लिए मदद कीजिए। हम लोग की शादी हो गई, वो कैसे रहेगा, ऐसे झोपड़ पट्टी में रहेगा, हम लोग किराए पे रहते हैं, कैसे रहेंगे हम लोग, ये किराए पे तो है ही है ना, मेरा कोई परिवार में साथ देने वाला है। आज हम लोग ये केस लड़ेंगे तो हम लोग कैसे लड़ेंगे। हमारा नाम पुष्पा है। क्या हुई, कैसे हुई, कैसे हुई, हमको, क्या नाम है आपका? पुष्पा अवस्थी। आप इनकी क्या लगती है? मौसी। अच्छा, मौसी लगती है। हाँ, सिस्टर थी, हमारी सिस्टर थी। तो कैसे घटना हुई, कैसे पता चला आपको? हमको पता है, लड़कियों ने बताया कि मतलब मम्मी गायब हो गई हैं, तो हमने कहा गई हैं होंगी, आ जाएंगी, लेकिन उसके बाद में पता नहीं चला, तो हम यहाँ आए 12 बजे आए तो पता लगा कि वहाँ पे भीड़ लगी है, देख लो जाके, वहाँ भी जाके, जब वहाँ पहुँचे तब वहाँ एसपी सब लोग आ गए थे, तब वहाँ हमको लगा कि यही मर्डर हुआ है। हमने कहा हमारी बहन का, बहन हमारी कल से गायब है, दरोगा जी से कहा, तो दरोगा जी कहने लगे कि क्या नाम है, देखो क्या यही तुम्हारी बहन है? हमने कहा हाँ सर, यही मेरी बहन है। हैं, तो पहले तो लड़कियां गई थाने वाले, हमारे लिए हमारा कहना है पारा थाना भी बेकार, ठाकुरगंज थाना भी बेकार, और क्या नाम है, जलालपुर चौकी बेकार है, पूरी यूपी में सारे थाने बेकार, हमारी मोदी योगी पर यही मांगा। राजधानी लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार पाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।